इंटरप्ट मत किया कर बीच में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बड़ी डिमांडे आ रही थी आप लोगों की, दीदी चीपेस मिशो लेके आओ, चीपेस मिशो लेके आओ। तो मैंने सोचा क्यों ना लेके आओ, लाइक हॉल तो बहुत सारे हो गए, कुछ डिफरेंट कंटेंट तो बनता है ना। तो आज हम करने वाले हायर वर्सेस लोकल ब्रांड, मेरा चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट जिनके जो ब्रांड है वो एकदम छोटे छोटे लोकल लोकल से है। और ये है मेरा हायर ब्रांड, मतलब जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चुन चुन के महंगे बड़े बजट वाले प्रोडक्ट है। तो देखेंगे कि किसका मेकअप लुक अच्छा टर्न आउट होगा, किसका मेकअप इन रियलिटी भी अच्छा लग रहा है। और तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आल्सो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, हैप्पी बर्थडे करते हैं एंड हैप्पी बर्थडे इस पर आज नहीं है, पर ये वीडियो न्यू ईयर पे अपलोड होगी, इसलिए हैप्पी बर्थडे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो पता ही है क्या करना है, क्या करना है, ये जो आ रहा है ना वही करना है। चलो करिए नायका का प्राइमर एंड मेरे पास यहाँ पे ये बिना सर पैर कर का इनफाइलेबल मैटिफाइंग बेस प्राइमर है। आई डोंट नो क्या है बट स्टिल यूज करते हैं, देखते कैसा निकला है। अरे कुछ है भी क्या इसके अंदर, कि सारा कुछ है, निकला निकला बहुत मस्त प्राइमर है ये। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे चैनल पे पहली बार देख रही हूँ, एकदम फेस ठंडा करता हूँ, बट मेरा फेस तो कभी चिकना चिकना हो गया। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ये हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन है जो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है एंड कितना व्हाइट है। एंड मेरे पास ये किसके लैक्मे का फाउंडेशन है तो बिल्कुल ही ओरिजिनल है, तो मैं थोड़ा सा यूज करूंगी बिकॉज शेड देखो कितना व्हाइट है। एंड मैं लाइफ में पहली बार ऐसे बैठ के कोई सिटिंग प्रॉपर मेकअप कर रही हूँ। इसकी कवरेज वैसे नहीं है, शीयर सी है। मैं एक साइड अप्लाई करके देखती हूँ मैं कितनी गोरी बनती हूँ। मेकअप गोरा होने के लिए थोड़ी होता है, मेरा बस चले ना मैं करके अप्लाई कर लूँ। मेरे को लग रहा है ब्यूटी ब्लेंडर ने ही सारा सोक कर लिया। तूने ना क्यों किया, क्योंकि तूने ना इसको देखना, अभी ये देखो गाइस, तो इसने ये किया है ब्यूटी ब्लेंडर को वेट। नहीं मेरा तो है ना, मेरा तो सुखा है, तेरा ना हो गाइस। के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी स्विस ब्यूटी बिकॉज ये हायर ब्रांड को भी टक्कर देता है। मेरे पास ये मैका कंसीलर है जो कुछ भी नहीं है, मतलब बस लगा लो ना लगा लो एक ही बात है। मुझे कमेंट करके बताना कि किसको मेकअप देखना पसंद है एंड किसको मेकअप करना पसंद है। मैं उस टाइप की पर्सन हूँ मुझे मेकअप करना नहीं पसंद, बट हाँ मेरे पास सारे मेकअप होने चाहिए, मतलब मुझे शौक बहुत है। तुझे ब्याह में लेकर जाएगी अपने, अच्छा लगता है यार मेरे को मेकअप। ये कहती है कि ना तेरे पास इतना सारा मेकअप है, बहुत गंदी है, हमारी बहुत लड़ाई है। जब मेरा ब्याह हो जाएगा ना तो अपने हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। मैं पैसे थोड़ी लगाऊंगी। सही बात है, जैसे मेरा हस्बैंड देगा, नॉर्मल सी बात है, कहेगा कि मेकअप की शॉपिंग कर, मैं वो पैसे बचाऊंगी शादी के बाद। क्या तो वो दे ही ना, वो तो लड़के वाले ही देते हैं, लड़के वाले देते हैं कि नहीं कमेंट करते। नहीं नहीं शादी के बाद वो दे ही ना तुझे, मैं इतनी स्टैंड हो जाऊंगी कि मुझे उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो पर्पल का बिकॉज हायर ब्रांड यू नो दैट, तो ये क्रीमी है तो मैं अपना बेस बाद में सेट करूंगी, तो पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ। मुझे तो कंटूर दिया है, सो मैंने लिया था ये इनसाइड का कंसीलर जो आपको जस्ट 100 रुपीज में मिल जाएगा, बट मैं ऑलरेडी इसकी तारीफ कर चुकी हूँ। बट इट्स नॉट विजिबल, बट इतना भी नहीं दिख रहा, बट इसमें ना अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे ना जैसे कि ना नहीं चॉकलेट नहीं, जैसे कि कोई मेकअप प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं, जैसे पहले जमाने में लिपस्टिक में से स्मेल आती थी, डिट्टो सेम वैसी स्मेल आ रही है। मुझे क्या नहीं आ रही। 335 पर्पल का एंड इसके वाला 100 रुपीज का, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको गया भी, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको पापा वाले में इन्वेस्ट करना सबसे पहले ये अच्छा है। हाँ कोई बोल नहीं है, तो बेस को सेट करने के लिए इसने दिया है मुझे ये बायोटिक का जो मुझे नहीं पसंद, एंड इसने मुझे दिया लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसने मेरे बेस को बहुत वाइट कर दिया। लूज पाउडर को रेटिंग करना चाहूंगी 10 out of 8, मतलब क्वालिटी अच्छी है क्वांटिटी अच्छी है, बट जो पैकिंग में दिया वो पैकिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पर्पल का ब्लश जिसकी MRP है 550, इट्स रियली कॉस्टली, मतलब बहुत ज्यादा है। एंड मेरे पास ये एस्फर का ब्लश है जो 90 तक तो मिल ही जाएगा, 99 हमने, मतलब सारे चीप लिए, चीप मीन्स चीप 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 चीप।
पास कोई कंटेंट नहीं था और हम ये लेके बैठ गए, कुछ समझ नहीं आया था। ये कहती व्लॉग कर ले, मैंने कहा व्लॉग यार व्लॉग के लिए भी कुछ अच्छा हो ना कि लोग देखे, तो फिर मैंने इसको ये आइडिया, फिर पता क्या कहती चल 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 मेरे चैनल पे कर लेती, तेरा प्रमोशन कर दूंगी, लालच दे दी मुझे। तूने को सब मान लिया था, कितना रगड़ लोग ऐसे इस ब्लश पे ब्लश आए हैं और ये दिख रहा है ना वो देखो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आएगा फेस। ब्रांड ले लो 500 रुपए में एंड लोकल ब्रांड ले लो 100 रुपए में, आई थिंक ये बेटर है ऐसा। सो हाइलाइटर के लिए मैं ये 100 रुपए का एंजल रोज का हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ एंड मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पर्पल का हाइलाइटर जिसकी MRP है 390। ओ माय गॉड, मतलब इतनी ज्यादा, एंड इसमें प्रोडक्ट नहीं है, टूट चुका है बट स्टिल है, तो हम उसी को अप्लाई करेंगे एंड देखते हैं कैसा वर्क करता है। So guys, ये थोड़ा पाउडरी है बट हाँ अच्छा है, मतलब बट कॉस्टली भी है बट हाँ अच्छा भी है, मतलब ऐसा नहीं है। मेरे फेस को हाइलाइटर देख, I don't like सच में, तो वैसे सच बताऊँ तो, बट वैसे अच्छा था, चिमकड़ी है चिमकड़ी जैसे, वो तो फिर थोड़े तो आएगा वो, मत ये तो नहा ली तू तो। So guys, पानी मार रही है ऐसा लग रहा है, स्प्रे बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसा प्राइस वैसा स्प्रे। गाइस हमारा बेस मेकअप सेट हो चुका है, इतने में हमने काफी मस्ती भी कर ली साथ साथ, एंड नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आईब्रो। ओके आईब्रो कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास हायर ब्रांड का कोई भी आईब्रो था नहीं, बट लोकल का तो था, बट लोकल का था तो मैं इसमें से यूज कर लूंगी, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे ऐसे शेड्स है जिससे मैं अपनी आईब्रो फील कर सकती हूँ। हायर वर्सेस लोकल तो कर रहे हैं पर गरीबी इतनी है, स्कूल ही नहीं मिल रही। मैंने ये लियोन ब्यूटी के लिए जो आपको 150, 250, 200, 199 मतलब इतने प्राइस में मिल जाएगी। प्रतिभा इसकी पिगमेंटेशन देख, वन स्वाइप में काफी अच्छी है, इसमें तो बहुत सारे कलरफुल मतलब कलर्स है, कलरफुल कलर्स है, यस कलरफुल कलर्स है, सही है, बहुत सही है। So, हम सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ मैं एक और ट्रांजिशन शेड मतलब नीचे देने के लिए मैं इन दोनों कलर को आपस में स्मर्ज करके अप्लाई करूँ। मैं ये वाला एंड ये वाला शेड ले रही हूँ, बट ये थोड़ा सा पाउडरी है, वो नहीं होगा, मतलब इसका है फॉल आउट, अच्छा है इसका है फॉल आउट। नाउ मैं अपने थोड़े कलर पे जाती हूँ, मतलब टॉप वाले तो मैं ये रोज गोल्ड टाइप ऑफ कलर है एंड इसको मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई करूंगी बिकॉज आई वॉन्ट माई फिंगर। मुझे ये बेस्ट प्रोडक्ट लगा सच में, और ये आई शेडो पहले अच्छी लगी बट इसमें ना शिमर शेड ज्यादा ना, तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है बिगनर्स के लिए, ठीक है यार अच्छा है। काजल के लिए ना मेरे पास यहाँ पे बे नाम का काजल है जिसके ऊपर कुछ भी नाम नहीं है, तो ये बे नाम काजल है, एंड मेरे पास है ये लैक्मी का, लैक्मी इज गुड ब्रांड यू नो दैट, तो हम अप्लाई करते हैं। बट मुझे ये काजल जो ये अप्लाई कर रही है ना, आप कहोगे कि सारे तो चीप वाले प्रोडक्ट पसंद है, ये वास्तव में बहुत अच्छा है ना। किसी पे भी आप जा सकते हो, ये 50-15 रुपए में मिल जाएगा, नहीं आई थिंक 30 रुपीज में, और ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये वाटर प्रूफ है तो आप देख लेना। ये 7C का मस्कारा है, वैसे तो इसमें लाइनर भी था बट मैंने यूज नहीं किया, बस ये मेबेलिन का मस्कारा एंड इसकी तो मैं क्या ही बात करूँ, अच्छा है यू नो दैट, सो मैं सिंपली अप्लाई करती हूँ। ये है हमारा मस्कारा जिसकी अगर आपने स्मेल सूंघ ली ना बेटा यहीं पे बेहोश होके गिर जाओगे, इसलिए मैं सूंघने नहीं वाली। मैंने माइलम की ये वाली लिपस्टिक इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है एंड अभी भी मुझे ओकेश लग रहा है, बट आप लोग बता रहा, बट मैं फाइनल लुक में आपको मतलब ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, बट स्टिल इसके लिए लगा लें दो। So guys, वो लिपस्टिक तो मुझे अच्छी लगी, मतलब शेड अच्छा लगा, लिपस्टिक तो अच्छी थी, तो हम देखते हैं पहले हम अपना ना फाइनल लुक दिखाते हैं एंड देन देखते हैं कि लिपस्टिक कैसी लग रही है ना। So guys, this is our final makeup look, जो लोकल ब्रांड वर्सेस हायर ब्रांड करने के बाद टर्न आउट हुआ है। हाँ, आप कमेंट में बताओ आपको किसका मेकअप लुक अच्छा लग रहा है एंड मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ मेरा मेकअप लुक, तू भी घुस जा। सो या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।